भारताच्या विभाजनानंतरही पाकिस्तानात राहणाऱ्या हिंदूंची विविध प्रकारे प्रतांडणा अद्यापही सुरूच आहे. हा त्रास असह्य झाल्याने मागील 15 वर्षात भारतात आलेल्या 54 सिंधी भाषिकांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यान्वये भारतीय नागरिकत्व मिळाल्याने एका छोट्या खाणी कार्यक्रमाचे आयोजन सिंधी भवन येथे करण्यात आले होते. आता आम्ही आणि आमचा धर्म हा भारत मातेच्या कुशीत सुरक्षित असल्याची भावना या नवभारतीयांनी व्यक्त करताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकॅडमी, सिंधी कलाकार संगम आणि उल्हासनगर महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभाजन विभाषिका स्मृती दिवसाचे औचित्य साधून सिंधी भवन येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान देशाचे नागरिकत्व मिळाल्यांनी पाकिस्तानात असताना त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांच्या यथा उपस्थितांसमोर मांडल्या. पाकिस्तानमध्ये त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यांचा व्यवसाय आणि धर्म सुरक्षित ठेवणे त्यांना किती कठीण होते आणि आता हिंदू म्हणून त्यांना देशात कसे सुरक्षित वाटत आहे याबद्दल त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. नाम प्रकाश गंगाराम देवानी, मैं कराची में रहता था. 2008 में हम यहाँ पर आए हैं. मैंने वहाँ मेरी सारी स्कूलिंग कराची की है. मैं वहाँ पे जॉब करता था फेडरल एक्सप्रेस में, एज ए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में जॉब करता था. वहाँ पे जो वही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह पे प्रताड़ना थी, हर जगह पे जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन होती थी हमारे साथ. आप बिजनेस करने में प्रॉब्लम है आपके साथ. इवन अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच भी है तो अगर पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, तो हमारे कलीग्स क्या कहते थे, अरे तुम तो आज खुश होंगे ना, तुम्हारा देश जीत गया, तुम्हारा मुल्क जीत गया. अरे हम पाकिस्तानी हैं कि भारतीय हैं? मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स थे, हर जगह पे जो है डिस्क्रिमिनेशन थी, तो ये सब तकलीफें थी. आखिर में हम सब छोड़ छाड़ के, अपनी जॉब भी छोड़ी, सब कुछ खत्म करके 2008 में मैं यहाँ पे आ गया. तो आज मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए हैं और आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मुझे भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है. तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा करंट गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, श्रीमान नरेंद्र दास मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा. इवन पाकिस्तानी हिंदूज की इन्होंने तकलीफ़ों को देखा, उनकी तकलीफ़ों को समझा. इसके बाद ये CAA का जो कानून जो उन्होंने पास किया पार्लियामेंट से, उससे हमें बहुत राहत मिली, हमें नागरिकता मिलने में हमें बहुत आसानी होगी. आखिर में यही मैं कहूँगा, जय भारत, भारत माता की जय. मेरा नाम अनित कुमार आसानी है. मैं कराची पाकिस्तान में रहता था. 2013 में मैं अपनी तीनों बहनों के साथ और अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ यहाँ उल्लासनगर में आया. वहाँ हम पर कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी, कुछ अलग विभाजन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मुश्किलात हो रही थी काम करने में भी, रहने में भी. तो फिर यहाँ पे हमने भारत माता में आके यहाँ पे हम 2013 में उल्लासनगर में आए. अब 2013 से यहाँ तक जब तक थे, हमने बहुत कोशिशें की, सिटीजन की, कि बोला अभी बहुत टाइम है. और जैसे ही CA का जो अमेंडमेंट आया, तो उसमें हम लोगों को, उन लोगों ने सिटीजनशिप दे दी. हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का और बीजेपी का, जिन्होंने हमको अपना भाई समझा और हमको इस लायक समझा के नेशनलिटी यहाँ हमको दे दी. भारत माता की 2013 में छोड़ा. 2013 में तो वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब थी. वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे. तो उस हिसाब में शरीफ आदमी का और हमारे जैसे आदमी का स्ट्रीट क्राइम मतलब डकैतियाँ होती थी, स्नैचिंग होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती. मेरी अपनी 16 मोबाइलें गई हैं वहाँ पे. 16 बार स्नैचिंग हुई है मेरे से. तो फिर रहना मुश्किल हो गया. कुछ परेशानी वहाँ, फैमिलीज अकेले घर से बाहर तो निकलना नामुमकिन है, मतलब सोचती भी नहीं थी. यहाँ पे तो हम रात को 10 बजे 11 बजे भी फैमिली जाती आती, तो हम वहाँ दिन में भी हम फैमिली के साथ ही रहते थे. ऐसा नहीं कि भाई फैमिली को अकेला अकेला आया अकेला गया, ऐसा नामुमकिन बातें हैं.